पंजाब में तो बेसिक वेट कम है, बेसिक वेट कम है, जो फर्क पड़ा है वो वेट के ऊपर जो उन्होंने बनाया ना, ये इनने माना 5% लगाया, इन्हें उनने 10% लगा दिया, इनने भी लगा रखा है, उसका ही अंतर है, बाकी बेसिक वेट पंजाब में कम है। सवाल ये है कि जब हमारी सरकार थी उस टाइम दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, पंजाब सबसे सस्ता था, बोर्ड लगे हुए थे, ये पहले पंपे लगे थे, सबसे सस्ता डीजल। आज ये जो तेजी से भाव बढ़ रहे हैं, इसका असर हर चीज पे पड़ रहा है, पेस्टिसाइड्स भी महंगा हो रहा है, खाद भी महंगा हो रहा है, तो कहीं तो राहत देने की हरियाणा सरकार तो पहल करे। ये तो कई बार हमने सुन लिया, वही मैंने कहा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट शुड स्टेप टू स्टेप्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड लेने चाहिए, बात करने चाहिए, तभी किसान भी एक कदम आगे जाएंगे। अब समय आ गया, बहुत लंबा समय हो गया, और ये देश के हित में नहीं है। देखिए, उन्होंने कुछ नाम अंकित किए हैं, ऐसे नाम हैं जो, हाँ, जब कोई, मैं बता रहा हूँ कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट वगैरह के जो किस तरह लेन देन हो गए, पैसे ट्रांसफर होता था, वो तो काफ़ी वो है, वो तो देखो मैं अभी यूँ नहीं कहना चाहता, क्योंकि उस सरकार ने पब्लिक नहीं की रिपोर्ट, मेरी मांग यही, पब्लिक करो, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं आज भी कह रहा हूँ यूँ की यूँ रिपोर्ट पब्लिक करो, देखते हैं फिर कैसा होगा, क्या होगा। ये रिपोर्ट लेते हैं और मेज के नीचे दबा देते हैं। इसी तरह जब यहाँ आंदोलन हुआ था तो रोज ये बयान आते थे, प्रकाश सिंह कमेटी की बिठाया, उसकी रिपोर्ट कहाँ है, उसकी रिपोर्ट आज, क्योंकि पूरी तरह से प्रकाश सिंह ने सरकार को दोषी ठहराया, वो रिपोर्ट कहीं मेज के नीचे चली गई। इसी प्रकार रजिस्ट्री के जांच क्यों नहीं करते, इसी प्रकार धान का घोटाला हुआ था, मतलब कोई भी जांच और उसकी रिपोर्ट पब्लिक में नहीं आ रही है, क्या कारण है, कानून व्यवस्था की तो कहने की जरूरत ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार ही नहीं है कोई, फ्री फॉर ऑल चल रहा है, रोज कोई ना कोई मर्डर, डाके, चोरी, रोज का काम हो गया। हाँ, अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये सरकार लोगों का भी विश्वास खो चुकी है और विधायकों का भी। दो विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायक थे, जो इस सरकार का समर्थन कर रहे थे, वो विड्रॉ कर गए, बाकी रोज बयान दे रहे हैं सरकार के खिलाफ। मतलब एक जो इनके सहयोगी दल है, उनके तो कई एक दो विधायक का मैंने पढ़ा कि सबसे भ्रष्ट सरकार ये हुई है, तो पता लग जाएगा। जब मैं विश्वास पत्र प्रस्ताव लेके आएंगे तो पता लग जाएगा, या तो चेहरे बेनकाब होंगे या जो कौन कहाँ खड़ा पता लग जाएगा।